पेड़ पे बैठा हुआ सुंदर सा तोता। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आप इस विधि से एक आकार बना दीजिए। ये हर एक चिड़िया के साथ बना सकते हैं, ये उसका पेट हो गया है। कुछ हमारे पुराने वीडियो में देखेंगे तो इसी के माध्यम से बतख और अन्य चीज़ें मोर वगैरह बनाया गया है। तो इतना बनाने के बाद अब आप इसमें चोंच बना दीजिए, सुंदर सी आँख। अब ये उसके नीचे का पेट का भाग, पेट के बाद पीछे पंख तक की दूरी ये आप बना दिए हैं। अब यहाँ पर कहीं कहीं पेंसिल का यूज कर सकते हैं आप लोग। इस तरह से उसका पंख बन गया है। तोता बिल्कुल क्लियर हो चुका, स्पष्ट दिख रहा है। ये उसके गले में दिखाया जाता है। अब ये दिखाएंगे आप कि तोता जो है वो किसी डाल पे बैठा हुआ है जहाँ पर हरी भरी पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं। ये आपका डाल। तो इतना बना लेने के बाद आप लोग इसको रंग कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। बहुत सारे माध्यम से इसको पूरा किया जा सकता है, फिर भी बहुत ही सुंदर चित्र दिख रहा है। आप लोग इसको बनाने का जरूर प्रयास करिएगा। इस परीक्षाओं में ये चित्र प्रायः पूछे जाते हैं, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग इसको करिएगा। इस चित्र को हम लोग सॉफ्ट पेंसिल से कलर कर रहे हैं। आप ग्रेफाइट पेंसिल से सेट कर सकते हैं, ऑयल वैक्स क्रेयन, जो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन किसी भी माध्यम से इस चित्र को आप पूरा कर सकते हैं। इस तरह से रंगने पे आपको पूरे नंबर मिलते हैं। लाइट ग्रीन, ग्रीन लगाया उसके बाद लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन के बाद हल्का सा येलो का प्रयोग करने के बाद देखिए बिल्कुल रंग स्पष्ट हो रहा है, चित्र बहुत ही सुंदर बन चुका है। पेड़ के लिए ब्राउन, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन इत्यादि के माध्यम से पेड़ की डाल पूरी हो चुकी है। पत्तियों के लिए लाइट पत्ती हरा जो होता है, सैप ग्रीन और पीला का प्रयोग करते हैं। तो बहुत ही सुंदर चित्र आपके सामने दिख रहा है। इसके बाद आप बैकग्राउंड में कुछ और चीज़ दिखा सकते हैं कि जैसे वो बादलों के बीच में है, पेड़ पे डाल पे है, पीछे बैकग्राउंड में बादल। इस तरह से लगा के उसको रब कर देने से बिल्कुल बहुत सुंदर बैकग्राउंड बन चुका है।